हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। मैं हूं आपकी एजुकेटर सुष्मिता। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग सेल के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल ख़त्म हो रहा था तो आज लास्ट पार्ट है सेल का। सो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल एवरीथिंग बायो, और एवरीथिंग बायो नाम से ही एक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, या तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, या तो फिर कोई PYQs आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो यू कैन आस्क मी वहाँ पे। तो मैं आपको वीडियो के द्वारा वो समझा दूँगी, और अगर मतलब वीडियो की अगर ज़रूरत होती है तो मैं वीडियो के थ्रू समझा दूँगी, और अगर नहीं भी ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पे आपको लिख के समझा दूँगी, ठीक है। और अगर कोई भी बात करनी है मतलब उसके अलावा, तो यू कैन मेल मी इन दिस मेल ID। तो आप एवरीथिंग बायो नाम से ग्रुप और चैनल दोनों ही मिल जाएगा, तो यू कैन चेक, ठीक है। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं इसके साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है कि एक छोटे छोटे, मतलब ये एक ऑर्गेनेल्स में ही आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग अबाउट ऑर्गेनेल्स, तो ऑर्गेनेल्स में ही आते हैं, और हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं। एंड इलेबोरेट नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये तीन तरीके की होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। तो ये तीन टाइप के होते हैं, और ये एक साथ अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। मतलब साइटोस्केलेटन का ही ये तीन टाइप होता है। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस, शेप ऑफ द सेल। तो क्या होता है, एक शेप मेंटेन करने के लिए मतलब सेल का, ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए, या तो फिर जो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन हम लोग देखे थे उसमें क्या देखे थे कि कभी कभी सेल क्या होता है, फूल जाता है, या तो फिर सेल बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाता है। तो ये सब जो हो रहा है, और ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्वाशी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, तो इट कैन ऑल्सो बर्स्ट, राइट। ये बर्स्ट भी कर सकता है, फट सकता है, डिजनरेट हो सकता है। तो ये सब एक जो शेप है, उस शेप को मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसी ऑर्गेनल्स में साइटोस्केलेटन आते हैं। साइटोस्केलेटन हमारी जैसे स्केलेटन रहता है ना, हमारी शेप और पूरे फ्रेम को मेंटेन करने के लिए, तो ये साइटोप्लाज्म का ही स्केलेटन है, साइटोस्केलेटन। तो यहाँ से भी आप इसका फंक्शन याद रख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का स्केलेटन है साइटोस्केलेटन, ठीक है। जैसे हमारा स्केलेटन फ्रेमवर्क को मेंटेन रखता है, दैट्स द सेम थिंग व्हाट साइटोस्केलेटन डू। तो इनका भी तीन टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आप, क्योंकि जो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो जो भी फंक्शंस होते हैं ना, ये फंक्शंस NCERT में कहीं ना कहीं बुक में किसी किसी चैप्टर्स में टॉपिक्स में मेंशन है, लेकिन एक जगह में नहीं दिया गया है। तो इसमें इसीलिए इसको यहाँ पे एक बार आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स किससे बनता है, एक्टिन एंड मायोसिन। और ये किस चीज़ से बन रहा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसके साथ साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम में जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, मतलब दोनों तरफ वो क्रोमोसोम्स चले गए और फिर वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, ताकि सॉरी दोनों तरफ क्रोमोसोम नहीं जाते हैं, पहले बीच में आते हैं मेटाफेज प्लेट में, फिर दोनों पोल से उसको खींचा जाता है क्रोमोसोम को दोनों तरफ, दोनों पोल के तरफ। तो ये सब चीज़ के लिए स्पिंडल फाइबर्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो वो जो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन के टाइम में, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया स्केलेटन का भी, सीलिया और फ्लैजेला का भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मेंटेन शेप, रिजिडिटी एंड फॉर्म ऑफ द सेल एंड सेल मोटिलिटी, ठीक है। तो सेल मोटिलिटी में, मतलब सेल की मूवमेंट में, इसके साथ साथ उसके शेप, रिजिडिटी, प्रॉपर एक शेप मेंटेन करके रखे, बर्स्ट आउट ना हो जाए अगर ज़्यादा पानी आया तो, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होकर एकदम सूख ना जाए, मतलब एटलीस्ट अंदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सब प्रॉपर रहे। तो ये सब चीज़ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हैं, शेप बेसिकली मेंटेन करने के लिए। नाउ माइक्रोफिलामेंट्स में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया।
ठीक है, तो स्यूडोपोडिया हम लोग किसको बोलते हैं, सपोज दिस इज एमीबा, ठीक है, नॉट ओनली एमीबा, अगर हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को देखते हैं तो वहाँ पे भी, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये जो होता है, सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी पैथोजन आया है, ठीक है, अब पैथोजन को ये डीजनरेट करेगा, तो ये कैसे करता है, ये अपना जो ये सेलुलर, अच्छा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, आपको दिखेगा नहीं, हाँ तो देखो ये वाला है, इसके इस चीज़ को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है, दिस इज स्यूडो पोडिया। तो एमीबा में क्या होता है, वो चलने की हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल में भी यही होता है। तो अगर इसको ये पैथोजन को किल करना है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करके जो मूवमेंट किया है ना, ये धीरे धीरे इस पैथोजन को अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, द न्यूक्लियस, और फिर ये क्या किया, इसको एनगल्फ किया, ठीक है, और फिर ये एनगल्फ करके इस चीज को जुड़ देगा, और जुड़ने के बाद वो जो एक वेसिकल के जैसे फॉर्म हो गए, वहीं पे वो डिग्रेडेशन भी हो जाएगी, और फिर वो पैथोजन खत्म हो जाता है, अनवांटेड पैथोजन जो भी है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे मेंटेन होती है स्यूडोपोडिया में, मतलब स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या हुआ, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सेलुलर मूवमेंट हो रही है। तो ये चीज़ में हेल्प करता है कौन, माइक्रोफिलामेंट्स, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो क्लीवेज फरो के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन अगर हो रही है, एक सेल से दो सेल बनना है, तो क्या होता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वहाँ पे क्लीवेज फरो बनते हैं, राइट, तो यहाँ से कैसे होता है, अच्छा ये नीचे हो रहा है, हाँ तो देखो यहाँ से कैसे होता है, एक सेल के बीच में ऐसे करके फरो जनरेट होती है, ठीक है, और ये धीरे 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 अंदर की तरफ जाता है, ये ग्रूव बढ़ता रहता है, ओके, और फिर जाके क्या होता है, दोनों अलग अल अलग हो जाते हैं। नाउ हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज फरो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के टाइम में ये क्लीवेज फरो बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हॉलो फिलामेंट्स ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स एंड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड फॉर क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन स्कैफोल्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये हो गया तीन जो साइटोस्केलेटन होते हैं उसका चर्चा यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए, राइट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये जो देखो दिस पिक्चर, दिस इज बेसिकली द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेंट्रियोल, ठीक है, तो इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये वाला लाई हूँ। तो ये हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इसके बाद सीरिया फ्लैजेला को बढ़ते हुए उसको उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीरिया फ्लैजेला में अब क्या है कि सीलिया इज अ सिंगुलर क्या है, सीलियम, एंड फ्लैजेला का सिंगुलर है फ्लैजेलम, और हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो देखो सीलिया फ्लैजेला में क्या होता है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, और सीलिया क्या करता है, इतने छोटे 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 स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं रैदर देन फ्लैजेला, फ्लैजेला फ्लैजेला जैसे साइज नहीं होता है, ये एकदम छोटे होते हैं और इनका नंबर ज़्यादा होता है। और फ्लैजेला में क्या होता है, फ्लैजेला लंबे होते हैं लेकिन उनका जो नंबर होता है वो कम होता है, ठीक है, ये सपोज एक फ्लैजेला प्रेजेंट है या तो फिर दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, ऐसा होता है। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो क्या होता है कि अगर सीलिया है तो सीलिया क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा मतलब कैसे करके मूवमेंट हो सकता है, या तो फिर तुम खुद को मूव कर रहे हो या तो फिर तुम्हारी जो सराउंडिंग्स है वो मूव हो रही है, उसको मूव करवा रहे हो, तो दो तरीके से मूवमेंट हो सकती है, या तो फिर तुम खुद को मूव करवा रहे हो, ठीक है, तुम खुद सब कुछ को छोड़ के फिर आगे जा रहे हो, या तो फिर तुम एक ही जगह में हो लेकिन तुम्हारे आसपास में जो भी सराउंडिंग चीजें हैं, सराउंडिंग चीजें हैं मतलब वो लिक्विड ही बात बोल रहे हैं, तो वो लिक्विड चीज को तुम मतलब उसके उसके अंदर तुम उस फ्लूइड को हटा रहे हो, उसमें मूवमेंट कॉज कर रहे हो। सो फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया
ऑल्सो पॉजिजेस फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला. तो प्रोकैरियोट्स में भी हम लोग देखते हैं फ्लैजिला, लेकिन यूकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंट होता है. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड द फ्लैजिलम शोज दैट दे कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ रहता है. देयर कोर इज कॉल्ड द एक्सोनीम. देखो यहाँ पे ये वाले जो पिक्चर है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक इंटरनल स्ट्रक्चर. किस चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर? सीलिया या फिर फ्लैजिला का. तो ये जो बीच में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द एक्सोनीम. ठीक है, पॉजिसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स एंड रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो यहाँ पे 9 डबलेट्स प्रेजेंट है और पेरिफेरल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे है ना, 9 डबलेट्स प्रेजेंट है. एक दो रुको, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 डबलेट्स प्रेजेंट है. मतलब ये डबल डबल है, राइट, पेयर में है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबलेट. अगर तीन एक साथ होता है ऐसे करके तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स, है ना. तो दो हैं एक साथ डबलेट्स बोल रहे हैं, तीन हैं एक साथ ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो तुम क्या देख रहे हो, एकदम सपोज ये पेन था, ठीक है, दिस इज द सीलिया या तो फिर दिस इज द फ्लैजेला. अब इसको अगर हम मैं ऐसे करके काट देते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शंस पता होता, पता है ना. तो अगर ऐसे करके काटते हैं तो ये जो ऊपर का पोर्शन दिखेगा ना, ये वाला अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पिक्चर है ये आपको ऐसे करके काट रहे हैं और काटने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर ऊपर से जो दिखेगा हम लोग को, हम लोग वो देख रहे हैं अभी यहाँ पे. तो साइड व्यूज नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, साइड व्यूज हम लोग नहीं देख पा रहे. तो अगर साइड व्यूज को अगर समझना है तो कैसे होता है, ये जो डबलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना नौ, ये एक ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं. और फिर हम लोग यहाँ पे एक ये वाले पोजीशन को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंदर का मतलब साइड व्यूज नहीं देख पा रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द साइड व्यूज. मतलब ऐसे करके 9 डबलेट्स प्रेजेंट है, तो ये डबलेट्स को अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहा है. दे आर कोड कॉल्ड एज द एक्सोनीम पॉजिसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो अंदर की तरफ भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं हम लोग इसको. यहाँ पे एक ही पेयर प्रेजेंट है, दो डबलेट्स नहीं, एक पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब दो नंबर में ही दो प्रेजेंट है. यहाँ पे डबलेट्स भी नहीं है प्रेजेंट, ट्रिपलेट्स भी नहीं है प्रेजेंट, और पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे डबलेट्स प्रेजेंट है. और दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर डबलेट ब्रिज. और यहाँ पे जो बीच में हम लोग देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये जो पेरिफेरल के साथ जो ये एक्सोनीम का जो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको सॉरी पेरिफेरल के साथ ये जो सेंट्रल शीथ का जो कनेक्शन हो रही है, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, रेडियल स्पोक के थ्रू, ठीक है, एंड दिस इज द सेंट्रल शीथ, ठीक है. नाउ द पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर टू एस 9+2 एरे. द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पोक्स. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structures called basal bodies. तो basal bodies में क्या होता है कि thus there are 9 radial spokes. तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि 9 doublets present है, तो 9 radial spokes भी present होगा, है ना, लंबाई में. और फिर क्या बोल रहा है कि which is connected to one of the tubules. Each peripheral doublets by radial spoke. There are 9 radial spoke. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structures called basal bodies. So both cilia or flagella, दोनों में दोनों क्या होता है, basal body के through
जुड़े हुए रहते हैं। सेल सरफेस ये है, यहाँ पे बेसल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, फिर ये फिलामेंट होती है, फिर एंड में जाके एक हुक प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर, अगर आप सीधी भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अगर सीलिया और फ्लैजेला में हम लोग डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंसेस में क्या दिखेगा कि सीलिया, नंबर ऑफ सीलिया पर सेल्स आर मैक्सिमम, लाइक वेरी लार्ज, नॉट मैक्सिमम, दीज आर वेरी लार्ज, मतलब नंबर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। वो तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि अगर चेहरा, मतलब ये देखो, ये अगर ऐसे टाइप का दिखता है तो ऑटोमेटिकली इसका नंबर तो ज़्यादा ही होगा ना, और ऊपर से इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट मतलब ऑल ओवर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना। स्मॉलर इन साइज, सीलिया स्मॉलर इन साइज ही है। नाउ रिसाइड्स एट द सर्फेस ऑफ द सेल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्लैजेला पर सेल इज लेस, ऑब्वियसली एक होता है, दो होता है, मुश्किल से चार हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा शायद। नाउ लॉन्गर इन साइज, सीलिया से तो लॉन्गर ही होता है, फाउंड एट द वन एंड ऑफ द सेल, तो सेल की एक एंड में मिलता है, नॉट थ्रू आउट द सर्फेस। मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे थे कि पूरे सर्फेस को जुड़ के प्रेजेंट है ये, है ना, पूरे सर्फेस को जुड़ के प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक साइड में प्रेजेंट है, एक पोल की तरफ प्रेजेंट होता है, उसका एक प्रॉपर पोल प्रेजेंट है वहाँ पे। रिसाइड्स एट द सर्फेस एरिया ऑफ द सेल, फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, फीडिंग, सर्कुलेशन, ये तीनों के तीनों फंक्शन कर लेता है, और फ्लैजेला इतना कुछ करके भी बस एक ही काम कर पाता है, दैट इज लोकोमोशन। तो सीलिया का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है एक बार देख लेते हैं, हालांकि तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन फिर भी तुमको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, है ना। तो जो सीलिया का मूवमेंट होती है ना वो ऐसे होती है, मतलब ये है एक्चुअल सीलिया, ठीक है, ये है एक्चुअल सीलिया। अब इसका जो मूवमेंट होगा या तो फिर बैक में होगा या तो फिर फ्रंट में होगा, ठीक है, मतलब मूवमेंट हो रहा है क्या, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, अंडरस्टूड, ऐसे करके होता है मूवमेंट, बैक फ्रंट में या तो फिर बैक में। और जो फ्लैजेला का मूवमेंट होता है ना वो एकदम मतलब ये टोटल ऐसे टाइप का एक मूवमेंट होती है। फाइन, इसका क्या था, ये बैक एंड फोर्थ कर रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लैजेला में, ये एकदम मतलब बहुत ही अच्छे से घुमा फिरा के फिर वो मूवमेंट करता है। ओके, तो ये दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल, दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिफेरल न्यूक्लियर सेंट्रियोलर मटेरियल, बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जो सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर लाई करते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मेन इवेंटली मेड अप ऑफ नाइन इवेंटली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स इज ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल ब्रांच ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड इज कॉल्ड हब। ओके, तो सेंट्रल का जो पार्ट है, हम लोग सीरिया फ्लैजेला में क्या बोल रहे थे, एक्सोनिम बोल रहे थे या तो फिर एक्सोनिम बोल रहे थे, वट एवर द टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज योर्स, कॉल इट। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हब, ठीक है। तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज हब, एंड इट इज प्रोटीनेशियस एंड विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन। द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल सेल। तो द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, तो क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी है वहाँ से अगर सेंट्रियोल हम लोग देख रहे हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल सेल, तो सेल डिवीजन के टाइम में ये बहुत काम आता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूक्लियस। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, वी हैव रेड अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला, और इसके साथ क्या है, साइटोस्केलेटन, और
सेंट्रोसोम सेंट्रियोल। अब देखो तुमको एक चीज लग रहा होगा कि मैम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही है, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे तो और भी चीज है, मैंने हमने तो नोट्स में इतने सारे पढ़े हैं। तो बेटा ये जो सीरीज है ना, ये एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड है, ठीक है। तो आई विल बी कवरिंग एनसीईआरटी ओनली। हाँ मैं बीच में ऐसे कि जो यहाँ पे पिक्चर लाया है, मैं अलग से मूवमेंट आपको बता रही हूँ, डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए ये वाला नहीं। इसमें मैं एनसीईआरटी का एक भी वर्ड नहीं छोड़ रही हूँ और उसको समझा के रह रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एवरीथिंग बायो, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। अगर आप कुछ मतलब अनाप शनाप ना बकड़े हैं, मतलब कुछ अलग ही टॉपिक में बात कर रहे तो अलग बात है, ठीक है, तब डांट पड़ेगी, वरना वहाँ पे सिर्फ डाउट ही सॉल्व होता है। तो यू कैन कम एंड आस्क मी योर डाउट्स एंड आई विल सॉल्व इट, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एकदम आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे टाइप का नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यू नो इन्फॉर्मेशन डाल के फिर इस लेक्चर को एकदम बहुत एक्सट्रीम लंबा करना। वो आएगा, वो जून से आएगा, ठीक है। वो जून के महीने से पहले तुम लोग ये नीट का ख़त्म कर लो, ठीक है। आई डोंट नो कि नीट 2023 के पहले मेरा ख़त्म हो पाएगा या नहीं। मैं अगर एक डेढ़ महीने तो पहले से शुरू करती तो शायद हो जाता, लेकिन आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट, सो इट विल नॉट कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। सो मैं फिर भी कोशिश करूँगी मेरे तरफ से कि मैं ख़त्म कर पाऊँ। शायद मई महीना लग जाए मुझे एनसीईआरटी ख़त्म करने में। तो जो डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर है, मैं वो जून से लाना शुरू करूँगी, ठीक है। सो देखो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे न्यूक्लियस को 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस वॉज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो एक ने डिस्कवर किया और एक ने डाई करके उसके अंदर जो चीज़ है उसको डाई करके फिर उसका एक नाम दिया क्या, क्रोमेटिन। तो ये दोनों इंसान कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन जिसने 1831 में न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्क्राइब किया, ठीक है, और फिर फ्लेमिंग ने क्या किया, उनको डाई कर दी क्रोमेटिन को, ठीक है। नाउ द और कैसे टाइप का था ये डाई, बेसिक था या एसिडिक था या न्यूट्रल था, बेसिक था, राइट। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे द इंटरफेस न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट हियर, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो छोटे के वाले पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। तो इसके पहले जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स वाला मैंने पढ़ाया है, इसके लास्ट वाले जो सेल साइकिल नहीं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 3 में, तो वहाँ पे आप देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर पोर्स वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद द स्पेस बिटवीन कॉल्ड द पेरिन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाई माइन्यूट पोर्स एंड विच आर फॉर्म्ड बाई द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है, बेसिकली देखो, अगर आप सपोज इज द न्यूक्लियस, ठीक है, नाउ
तो अब इनके बीच में न्यूक्लियर पोर होगा, कैसे होगा? हो गया पोर, लेकिन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये जो पोर बना है ना, ये यहाँ पे ऐसा तो ये दोनों मेम्ब्रेन एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, और यही दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज करके क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। नाउ कॉल द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसी स्पेस को, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो बीच का पोर्शन जो खाली है वो क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स। तो बाहर के जो पोर्शन है वहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ, और या तो फिर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मतलब वहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दीज माइन्यूट पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डिरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन बोथ डिरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देयर आर ओनली न्यूक्लियस, ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। तो इन जनरल क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अगर ज़्यादा प्रेजेंट हुआ तो उसको हम लोग कभी कभी क्वेनोसाइटिक बोल देते हैं, कभी कभी अलग अलग नाम दिया जाता है, तो वो तो उस आप देखेंगे बाद में। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, एरिथ्रोसाइट एंड मेनी मैमल्स ऑफ सीव ट्यूब ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। तो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, मेनी मैमल्स के आरबीसीज में क्या होता है, मेनी बहुत सारे मैमल्स के आरबीसीज में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए उसको क्यों लिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो बहुत खाली खाली एक सेल है, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बहुत आसान होता है आरबीसी को मिलना। सो दैट्स वाई द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स। द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्ली आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो जो प्रोटीन सिंथेसिस और जो लिपिड सिंथेसिस, ये सब जो सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस की जो बात हो रही है, या तो फिर आरएनए सिंथेसिस, ये सब की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज ये न्यूक्लियस है, इतना छोटा न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, है ना? ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, राइट? तो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। नाउ इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर्स अगर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्रोमैटिन, अब हम लोग देखेंगे बाद में कि यू क्रोमैटिन होती है, हेटरो क्रोमैटिन होती है, तो ऐसे करके क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर बाद में क्या होगा, जब सेल डिवीजन करनी होती है तब ये क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में बनते हैं, फिर वो क्रोमोसोम डिवीजन होती है, फिर अलग अलग दो सेल बनते हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है? लेकिन ये जो क्रोमैटिन फाइबर होती है ना, ये क्रोमैटिन फाइबर क्या करते हैं बाद में, ये तो मतलब क्रोमोसोम से, ये सॉरी ये क्रोमैटिन फाइबर है, अब यहाँ से क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और ज़्यादा बाउंड कर रहा है क्रोमोसोम। लेकिन इसके पहले भी और एक फेज है, ये कभी कभी क्या करता है, क्रोमैटिन फाइबर और ज़्यादा रिवाइंड होता है, ठीक है? और फिर ये बाइंड खोलते खोलते ये डीएनए तक पहुँचता है।
ओके, डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। तो ये डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होते हैं, ये दो स्ट्रैंड फिर वो रेप्लिकेशन करते हैं, दो स्ट्रैंड ऐसे टाइप के होते हैं, सीढ़ी जैसे दिखता है, और फिर ये दो स्ट्रैंड क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, और फिर रेप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है, दोबारा और एक डीएनए बनता है। अब दोनों तो डीएनए बन गया है ना, डीएनए का डीएनए बन गया, लेकिन डीएनए की हर बात ना सेल को नहीं समझ में आता है, ठीक है। डीएनए की हर बात को डेसिफर करना पड़ता है, मतलब जैसे कि बुक में क्या लिखा हुआ है ये हमेशा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए टीचर दिया जाता है कि हाँ ठीक है आप ये माध्यम हो, जो ये बुक में जो भी लिखा है, जो भी बोलने की कोशिश किया गया है, ये स्टूडेंट को आपके माध्यम से सिखाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डीएनए में जो भी लिखा है, इसकी बात समझाने के लिए सेल को दूसरा एक चीज करना पड़ता है, एक चीज नहीं दो तीन टाइप की चीज करने पड़ते हैं। कैसे क्या करने पड़ते हैं, ये डीएनए से फिर ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके ये आरएनए बनेगा, ओके, ये आरएनए बना, और ये आरएनए फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करके ये ऐसे ग्लोबुलर टर्सियरी बहुत सारे टाइप के प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो प्रोटीन अभी बन गया ना, ये प्रोटीन अभी बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। ये सेल के बाहर जा सकता है, ये न्यूक्लियस के बाहर पहले जाएगा, फिर सेल में जाएगा, और फिर सेल में जाके बहुत सारे, मतलब किसी को अगर प्रोटीन की ज़रूरत हो रही है स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो वहाँ पे जाएगा, अगर फंक्शनल प्रोटीन की ज़रूरत है तो वहाँ पे जाएगा। तो ये जो प्रोटीन है ना, इसी प्रोटीन का भाषा सेल को समझ में आता है, दिस इज द रीडेबल, ठीक है। इसके आगे के जो चीज़ थे वो रीडेबल नहीं थे, रीडेबल मतलब हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते, मतलब रीडेबल मतलब पढ़ सकते हैं, तो प्रोटीन रीडेबल है और बाकी सब रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं, सेल रीड कर सकता है। तो ये सब कहाँ पे चलता है, देखो जो ट्रांसक्रिप्शन होती, सॉरी जो रेप्लिकेशन होती है, ओके, जो रेप्लिकेशन होती है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रही है, ओके। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मतलब जो आरएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियोलस में हो रही है, ये आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे होती है, और फिर क्या होता है, ये जो आरएनए हुआ है ना, ये अभी मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करने के बाद ये आरएनए से ही क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेट होती है, राइट। तो जब प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है, ये आरएनए के ऊपर राइबोसोम आके बैठ जाता है, ठीक है, राइबोसोम आके बैठ जाता है, और यही आरएनए और राइबोसोम दोनों एक साथ मिल बांट के प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके बाहर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कि अभी ये आरएनए आएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो इसीलिए राइबोसोम को रखना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ रहता है वहां पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया। तो ये था टोटल कि क्या कहाँ पे क्या होता है। तो फिर क्या होता है, कभी कभी प्रोटीन भी प्रोटीन को भी बाहर जाना होता है तो वो न्यूक्लियर पोर के यूज करते हैं, अगर आरएनए को जाना होता है वो भी न्यूक्लियर पोर के यूज करते हैं, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, कि यू मे रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन द सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। तो कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब ना याद रखना, कौन बेसिक है कौन एसिडिक है कौन सा वाला न्यूट्रल है, ये सब याद रखना आ जाता है क्वेश्चन में। सो कुछ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। तो इंसान के 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, है ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो अलग अलग ऐसे करके
मतलब क्रोमोसोम जब डिवीशन होता है तो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है, कंडेंस्ड हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। हमारी वैसे सेम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर वो क्रोमोसोम्स क्या होता है, दोनों हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर दोनों नया नया सेल्स तैयार हो जाते हैं। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गाइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। तो क्या होता है, गाइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, फिर भी मैं बना रही हूँ, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो गाइनेटोकोर कैसे प्रेजेंट रहेंगे, बाहर की तरफ ऐसे करके प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर्स होल्ड टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर के पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखो, अगर ये सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एकदम सुंदर सा हो गया मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पे, या तो फिर एक ही जगह होगा, ठीक है, दो जगह नहीं होगा, इस तरफ रह गया या तो फिर थोड़ा सा इस तरफ रह गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब मेटा सेंट्रिक। तो देखो, सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द टू क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडिल चैम्बर, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक शॉर्ट हो जाता है, एक लॉन्ग हो जाता है, वो भी वही बोले हैं कि अगर इस तरफ से शिफ्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट आर्म, और ये वाला पोर्शन क्या है, देख के समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग आर्म है, और अगर इस तरफ होता है तो ये वाला शॉर्ट हो गया और ऊपर वाला लॉन्ग हो गया, है ना। इसके बाद आता है, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक द क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म एंड वेर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो टीलोसेंट्रिक एंड में होता है एंड एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, बहुत ही कम जगह छोड़ता है। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे भी देखो कुछ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया है। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज, उसके पहले छोटा सा पोर्शन क्या है कि समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्स्टेंट लोकेशन। तो देखो, कुछ चीज़ एकदम एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं तो ही आपको ये सब चीज़ में डाउट होगा कि सपोज व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट के लिए क्वेश्चन क्या दिया गया, नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, देखो, या तो फिर स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, नॉन स्टेनिंग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या तो फिर स्टेनिंग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज वेरी लाइक नॉर्मल कि नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए लोकेशन, दिस गिव्स द अपियरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट को भी कभी कभी हम लोग स्टेन कर सकते हैं, जो स्टेन कर सकते हैं इसको हम लोग गिम्सा स्टेन बोलते हैं। ठीक है, गिम्सा स्टेन से हम लोग स्टेन कर सकते हैं, जो चीज़ क्रोमोसोम में कतई हम लोग स्टेन नहीं कर सकते वो है सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है इसको हम लोग स्टेन नहीं कर सकते हैं, और सैटेलाइट को कभी कभी हम लोग स्टेन कर सकते हैं गिम्सा स्टेन से। और इसके साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, यस दैट इज ट्रू, और ये कॉन्स्टेंट लोकेशन में होती है, एकदम एंड में होता है, दिस गिव्स द अपियरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। माइक्रोबॉडीज में हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रोबॉडीज बहुत ही छोटू सा है, माइक्रो ही है इसका, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या क्या कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दिया गया उतना। तो माइक्रोबॉडीज न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वेर डिस्कस्ड टूडे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जेन्युइन कोई डाउट हुआ तो ही आइएगा,
मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि सबको पढ़ाई रहती है, सबको काम रहता है, और उसके साथ साथ अगर आप जेन्युइन डाउट लेके नहीं आ रहे हैं, सिर्फ गॉसिप करने मत आइए, ठीक है? मैं पहली बार बता दे रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट गॉसिप देयर, डोंट कम, ठीक है? क्योंकि वो एक डाउट सॉल्व, मैं नॉर्मल डाउट सॉल्व करने के लिए ही वो ग्रुप बनाई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, जनरली ऐसा होता है ना कि आप यूट्यूब में देख रहे हैं लेक्चर, लेकिन आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ डाउट रह जाती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या तो फिर कहीं पे क्वेश्चन देखे हैं वो समझ में नहीं आता है। तो आप अगर सीरियस हैं और आप अगर डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, तो कम टू दैट ग्रुप चैनल, या तो फिर चैनल में भी आप आ सकते हैं, ठीक है? और गॉसिप करने मत आइए, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन किए थे, तो दैट्स वाई आई जस्ट मेंशन्ड हियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन सेशन, और बाय।